अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, आदाब। आज हम कुर्ता डिज़ाइन फ्रंट पट्टी बनाने वाले हैं। देखें इस डिज़ाइन को, कितना खूबसूरत डिज़ाइन है। चलो बनाते हैं शुरू। देख सकते हैं आप, नेक का डिज़ाइन है। कपड़ा लेकर सीकर पहले इसको पलटा लेंगे। सिर्फ 1.5 इंच ही पकड़ना है कपड़े में। अब अटैच हो चुका है। अब इसको हम प्रॉपर से काट लेंगे। और चटका मार लेंगे ताकि पॉइंट बैठ जाए। अब ये मतलब फ्रंट पट्टी के लिए कपड़ा काट लेते हैं। करीब 1.5 इंच 1.25 इंच का कपड़ा होगा। आप जितना चौड़ा चाहे रख सकते हैं, हम 1.25 इंच चौड़ा रखे हैं। इसको इस तरह से आयरन करना है। थोड़ा नाखून मार लिया हूँ, आपको आयरन करके दिखाते हैं। चलो, इसी तरह अब हमारा आयरन हो चुका है पट्टी। फ्रंट भी आयरन कर लेते हैं अच्छी तौर से। अब हम इसको 4 इंच पट्टी काट लेते हैं। अब हमारा कटिंग हो गया है। अब इसको हम फोल्ड करके सिलाई मार लेते हैं एक एक अच्छी तौर से। आप देख सकते हैं इसी तरह सिलाई मारना है। इसी तौर से पूरे को सिलाई मार लेंगे इसी तरह फोल्ड कर। अब इस तरह हम ब्लैक धागा नीचे बाबिन में 5 लेयर फोल्ड कर लेंगे, पहले डाल लेंगे और नीचे रख के इसमें 2-2 राउंड सिलाई मारेंगे।
आप देख सकते हैं किस तरह डिज़ाइन ब्लैक में आ रहा है। आप पहले 5 धागा एक ही बाबिन में भर लें और नीचे बाबिन में डालकर ऊपर से नीचे रख के सिलाई मार लें, नीचे डिज़ाइन बन जाएगा। आप देख सकते हैं हमारे डिज़ाइन को। इसी तरह हम पूरे भी सिलाई मार लेंगे इसी तरह करके। अब हमारा मुकम्मल हो गया है पूरा सिलाई मार के। अब आप हमको फ्रंट में किस तरह अटैच करना है, उसके पट्टी कितना चौड़ा होना चाहिए, चलो हम आपको बताते हैं। बराबर कर लेते हैं पहले। पहले क्या करेंगे, कुर्ता का जो जिसमें अटैच करना है ये पट्टी, उसमें भी ब्लैक नीचे में डिज़ाइन आने के लिए पहले ऊपर से सिलाई मार लेते हैं, अंदर से उसमें सिलाई आ जाएगा। आप देखें हम उल्टा में मार रहे हैं, वो सीधा में सिलाई 5 लेयर का तागा है उसमें आ जाएगा। आप देख सकते हैं मुकम्मल 2 लेयर सिलाई से मार चुके हैं। अब हम फ्रंट के लिए उसको पट्टी रेडी कर लेते हैं। जब हम लेफ्ट साइड में अटैच करेंगे तो पहले हम 1.5 इंच का पट्टी रख लेंगे, 1.5 इंच बाहर आना चाहिए और उसी के बराबर भी डिज़ाइन का जो हम लूप बनाए वो लूप भी 1.5 इंच ही आना चाहिए, बराबर उसके बराबर होना चाहिए। आप देखें इसी तरह रखना है। लेफ्ट साइड का अब हमारा मुकम्मल हो चुका है पट्टी, बराबर रखते हैं 1.5 इंच मतलब इधर रखते हैं। अब इधर लेफ्ट साइड, अब राइट साइड का देखना, उसके बराबर ही सेंटर में मार्क कर लें, दो ही बराबर आना चाहिए। और जब राइट साइड में पट्टी रखेंगे तो मतलब उस पट्टी से जो है जैसे इधर का 1 इंच मतलब 1/2 इंच बाहर आना चाहिए हमारा पट्टी। आप देखें किस तरह रखना है, बताते हैं। 1/2 इंच बाहर इस तरह हर एक पट्टी राइट साइड में आएगा ताकि इसमें काज हो जाएगा और उधर 1.5 इंच वाले में बटन लग जाएगा, ये थोड़ा एक्स्ट्रा पट्टी आएगा। आप इसी तरह परफेक्ट डिज़ाइन बनाएं और हमारे वीडियो को देखें।
अब देख सकते हैं हमारा डिज़ाइन मुकम्मल हो चुका है। अब इसको हम शोल्डर अटैच कर लेंगे। कॉलर अटैच कर लिए हैं। अब कॉलर में नीचे भी मतलब ब्लैक टैग आने के लिए हम डिज़ाइन का सिलाई दो लेयर में पूरा कॉलर में मार लेंगे। आप देख सकते हैं इसी तरह कॉलर अटैच कर लें, और कॉलर अटैच करने के बाद में उल्टे बगल से कॉलर के नीचे कॉलर नीचे रख के सिलाई मार लें ताकि नीचे फाइव लेयर टैग आ जाएगा। देख सकते हैं हमारा मुकम्मल हो गया है, यह कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। अब हमारा काज भी हो चुका है, चलो इसमें ब्लैक कलर बटन व्हाइट स्टोन में लगा देते हैं। देखें आप लगाने के बाद कितना खूबसूरत नजर आएगा। Thank you.
हमारा बटन लगाना भी मुकम्मल हो गया है। आप देखें बटन कितना खूबसूरत डिज़ाइन नज़र आ रहा है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें दूसरों को।